तो ये है हमारी सुबह आगरा में ताजमहल के पास। अभी हम खड़े हैं छत में और दिखाता हूँ मेरे सामने क्या है। ये देखो वो है सामने ताज। तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे रात को करीब 11 बजे। उससे पहले हम गए थे प्रेम मंदिर। वहाँ से पहुँच के हमने यहाँ पे लिया रूम, 1000 रुपीज़ पड़ा हमें एक रूम का। और खाना हमने इधर ही खाया। सही है, मतलब ये लोकेशन सही है, ताजमहल के बिल्कुल पास है, ताजमहल सामने से दिखता है। टिकट्स हमने ऑनलाइन बुक कर लिए, तो हमें टोटली मतलब हमने अंदर मकबरे में जाने की भी टिकट की है। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलते हैं, थोड़े लेट हो गए हैं, ऑलरेडी 8:30 करीब हो गया है। तो 9 बजे तक निकलते हैं, फिर आगे देखते हैं कि ताजमहल अंदर से दिखता कैसा है। तो हम रुके थे इस होटल में। इस होटल का नाम था शाहजहां और ये था ताजमहल के वेस्ट और साउथ गेट के पास। यहाँ से ताजमहल की दूरी कुछ थी 200 मीटर तो हमें चाहिए था ऐसा होटल जो ताजमहल के नज़दीक हो, तो हमने इसलिए ये वाला होटल रात को चूज़ किया। और ठीक था, स्पेशियस था, मतलब उतना स्पेशियस तो नहीं कह सकते, बट हाँ ठीक है रात को जाने के लिए इट वॉज़ मोर देन इनफ। तो और यहाँ पर हमने 3rd फ्लोर में था हमारा रूम, और इसी होटल के साथ में एक रेस्टोरेंट भी था इनका जिसमें हमने रात को डिनर किया था। तो डिनर भी काफ़ी अच्छा था और यहीं से डायरेक्टली हमें दिख रहा था ताज का व्यू भी। तो अभी देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा एरिया था इनका रेस्टोरेंट और यहाँ पे हम खाना वाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, और सामने था ताज व्यू। तो यहाँ पे हमने किया एक रात स्टे। तो अपन हो गए हैं रेडी जाने के लिए ताजमहल, और अब बस अब निकलते हैं। थोड़ा करते करते लेट ही हो गए, बट अब फाइनली जाते हैं ताजमहल। टिकट हमने ऑनलाइन बुक करा ली है और एक अंकल से बात हो गई थी, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है बस, तो पहले वहाँ घूमते हैं उसके बाद आगरा फोर्ट जाते हैं। और हमारा रूम कुछ ऐसा था, ये था, ठीक है, 1000 रुपीज़ पर पर्सन में हमें पड़ा था। होटल का नाम था होटल शाहजहां। बेसिक सी चीज़ थी, बट आई विल एडवाइस कि अगर कोई फैमिली के साथ आ रहा है तो एक और इनका फैमिली सूट है वो वाला ले, वो अराउंड 2000 का आपको पड़ जाएगा। वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस है और उसमें चीज़ें हैं, बट ऐसे बैचलर्स के लिए तो एक रात के लिए ये ठीक है होटल। तो यही है अभी तक का अपडेट। अब हम निकलते हैं आगे, ताजमहल देखते हैं और आपको दिखाते हैं। चलो बाय बाय। हाँ बोलो बोलो। अभी निकल लिए हम आगे लाइन में लग के टिकट दिखा के। ताजमहल में आने के 3 गेट हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ईस्ट गेट से आइए। हम भी ईस्ट गेट से आए थे और उससे आने का फ़ायदा यह है कि आपको थोड़ा वॉक भी हो जाएगा और आपको जो ये दरवाजे रोज़ा है ये अच्छे से दिखेगा। इस पूरे एरिया में जब आप चलोगे तो आपको सामने लगेगा कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो वाइट वाइट सा दिख रहा है, बट जैसे ही इससे निकल के आप आगे पहुँचोगे तब आपको होंगे ताज के दीदार। 7 अजूबों में से एक ताजमहल देखने से बनता है। यहाँ पे जाके आपको लगेगा कि मुग़ल आर्किटेक्चर कैसा था, उन्होंने कैसा बनाया था। हालांकि ये चीज़ बहुत विवादित है कि ये क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे पहले क्या था या क्या नहीं, बट उन चीज़ों को साइड में रखते हुए जो चीज़ अभी प्रेजेंट में है उसको देखते हैं। तो यहाँ से दिखता है हमें ताजमहल के पहले दर्शन, और ये है ऐसा हमारा ताज। इसको 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया था, और ऐसा बोलते हैं कि शाहजहां ने इसको बनाया था और इसका कंस्ट्रक्शन 1648 से लेके 1653 के बीच में हुआ था पूरा, और ये मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि मुमताज़ महल की मृत्यु जून 17, 1631 में हुई थी,
और इसको बनाने में टोटली बोला जाता है करीब 20,000 वर्कर्स लगे थे। और इस पे जो भी बड़े बड़े पत्थर और मार्बल्स का यूज़ होता है वो दुनिया के अलग अलग कोनों से आया गया था, और करीब 1,000 हाथी उन मार्बल को अपने साथ लेके आए थे। और सबसे गजब चीज़ ताजमहल की ये बताई जाती है कि इसके कलर चेंज होता है, सुबह अगर आप देखोगे तो आपको कुछ और कलर दिखेगा, दिन में कुछ और कलर दिखेगा और रात में कुछ और कलर दिखेगा। तो ये भी एक अजीब सी चीज़ है जो ताजमहल में ऐसा बोला जाता है कि ऐसा होता है। और ये था थोड़ा सा इन्फो ताजमहल का, आगे और बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अंदर बकबरे में ये पहन के जा सकते हैं हम, ये अपने डाल लिए हैं और अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से जाते हैं अंदर मकबरे में, और अंदर फ़ोटो वीडियो किसने बनाया तो हमने उसका पालन किया और हमने नहीं बनाई। तो यहाँ से एंट्रेंस है, अंदर दोनों की कब्र है और वहीं से वापस हम बाहर निकल जाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ से आते हैं लोग और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है और ऐसा माना जाता है कि पहले राजा महाराजा नदी पार करके ही इस वाले एंट्रेंस से अंदर आया करते थे, और शाहजहाँ नदी के उस तरफ एक और ताजमहल बनाना चाहते थे, उसको ब्लैक ताजमहल के नाम से जाना जाता है, मतलब वो बनाना चाहते थे। बट ये बात उनके बेटे औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उनने उनको आगरा पे अटैक करके उनको नज़रबंद कर दिया था और ऐसी जगह रखा था जहाँ से वो सिर्फ ताजमहल को देख सकें, और वो था आगरा फोर्ट। चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहली चीज़ अंदर खाने का कोई आइटम अलाउड नहीं है, स्नैक्स कुछ भी नहीं ले जा सकते आप, सिर्फ पानी की बोतल ले जा सकते हो। तो इसलिए जब भी लेके आओ तो पहले ही काउंटर पे जमा कर दो। और दूसरा, ट्राइपॉड नहीं ले जा सकते, ट्राइपॉड अलाउड नहीं है तो वो भी जमा करना पड़ता है। और बाकी फ़ोन ले जा सकते हैं और खाली कैमरा ले जा सकते हैं, गिम्बल भी अलाउड नहीं है, गिम्बल ट्राइपॉड। तो अगर आप कुछ सामान रखना भूल गए हैं होटल पे या फिर यहाँ रखना चाहते हैं तो हर एक एंट्रेंस पे आपको एक बैगेज काउंटर मिलेगा, यहाँ पे आप फ्री में सामान रख सकते हैं। तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। वहाँ से थोड़े से आगे निकल के हमने की थोड़ी सी सोवेनियर शॉपिंग, और यहाँ से आप छोटी छोटी चीज़ें ले जा सकते हैं अपने घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, किसी के लिए। तो बस ये था अला व्लॉग, अब मिलते हैं आगे।